हाई ऑन फिल्मी ज्ञान विथ मीज हेतल जी. हेतल जी, जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, अबाउट द सीनियर आर्टिस्ट वर्किंग विथ यू. हाउ वाज द यू नो ओवरऑल एनवायरनमेंट व्हेन यू वर्किंग द प्रोजेक्ट एज सच. देखिए, कहानी 90s की है, 90s की फैमिली की है. ये फैमिली बिल्कुल आपकी और मेरी फैमिली जैसी ही है. फैमिलीज़ में इमोशंस वही होते हैं, प्यार वही होता है, एक अनकंडीशनल लव होता है. ये एक ऐसा प्यार होता है जो हम बिना बयां करे हम हमारे एक्शंस के थ्रू जता देते हैं. कई बार कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस होते हैं जो शायद पापा हमें बोलकर नहीं करेंगे, पर वो करेंगे. ये बिल्कुल ऐसी फैमिली है. और मुझे लगता है जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं या अपने परिवार के बहुत करीब भी हैं, शायद एक ही घर में रहते हैं, उनको ये सीरीज़ देखकर बिल्कुल अपने परिवार की याद आ जाएगी. और बहुत प्यारा शो है. और जूही जी और राजेश जी हैज़ बीन अमेजिंग विथ मी ऑन सेट, एंड वी आर एक्चुअली लाइक फैमिली. एंड टुडे व्हेन यू सी थ्री ऑफ अस, वी आर ऑल कलर कोऑर्डिनेटेड इन पिंक, एंड दिस वाज नॉट प्लान्ड, इट वाज ऑल कैंडिड. सो ये मेरी फैमिली ऐसी है. यू हैव वर्क विद नागनेश कुकनूर, धनक जैसे प्रोजेक्ट्स के हैं, वो बताइए वो कितना बड़ा अचीवमेंट मानती है. सच अच्छा चीज़ यू गॉट सो मच अपॉर्चुनिटी. सिंस आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी, सिंस आई वॉज 5 years ओल्ड एंड नाउ आई हैव कम अ लॉन्ग वे, धनक हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट. और मैंने काफ़ी कुछ सीखा उस फिल्म से. सो आज मैं जितना भी कर लेती हूँ वो सब कुछ सीख सीख कर कर रही हूँ. और इस शो से भी काफ़ी कुछ सीखा है और इसके आगे जैसे जाऊंगी और सीखते सीखते आगे बढ़ना है. लास्टली, फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड आर्टिस्ट टू यू नो बीइंग एट दिस एज, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कितना ज़्यादा है, यू नो टर्न आउट कितना मैच्योरिटी चाहिए यू नो फ्रॉम बीइंग चाइल्ड टू. शुरू किया था जब 5 साल की थी, आज आई एम 20, येट आई एम प्लेइंग अ 15-year-old इन द शो. सो दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इस पूरी जर्नी में बहुत गलतियाँ की है और बहुत रोना आया है और लगा है कि ये जो गलती कर दी, ये रायता फैला दिया, अब इसको कैसे संभालेंगे, कैसे ठीक करेंगे. बट मेरे को लगता है गलती करके ही आप सीखते हैं, क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता. आपको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी ही पड़ती है, और मैंने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी को लेकर. थैंक यू.